कर रहे हो तुम यहाँ और ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? नहीं, गलती से नजर पड़ गई थी। अच्छा, तो गलती से नजर पड़ गई। तुम्हें पता है ना, अगर ये बात सांप को पता चल गई कि तुम मुझे बाथरूम में कपड़े चेंज करते हुए देख रहे हो, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? हाँ, नहीं नहीं मैम साहब, सांप को ये मत बताना, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं तो कमाने वाला और मेरी तो अभी अभी नौकरी लगी है। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं ये बात मालिक को ना बताऊं, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मतलब ये कि तुम दिखने में तो ठीक ठाक हो, हैंडसम भी हो, तो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो, मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। मेम साहब, ये क्या है? ये हम दोनों की कुछ यादगार मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया। पर मेम साहब, ये तो गलत है ना? अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत है? और ये ले तेरी रकम, तेरी औकात से भी बढ़कर है ये, और जा मेरे लिए चाय बना के ला। चल निकल यहां से। मोंटी कहां मर गया ये? जी मेम साहब। बहरा हो गया क्या? ठीक से सुनाई? आवाज मार रही हूँ। काम कर रहा था। अच्छा चल ठीक है, गेट लगा दे। मेरी बात ना ध्यान से सुन, अगर एक बार मैं बुलाया करूँ ना तो चुपचाप आ जाएगा। अरे तू घबरा क्यों रहा है? तू ना मुझसे डरा मत कर, ठीक है ना? चल अब चलते हैं। देखिए ना, आपका ये नौकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। सही हुआ आप सही टाइम पे आ गए, नहीं तो ये मेरी इज्जत लूट लेता। आप जल्दी से इसे नौकरी से बाहर निकालिए। अरे आप हंस क्यों रहे हैं और इसे हाथ क्यों मिला रहे हैं आप? इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है और आप उसी से हाथ मिला रहे हैं? तुम्हें क्या लगा नौकर है ये जासूस है क्या? हाँ, मुझे ये तो पता था कि तुम्हें मुंह मारने की आदत है, लेकिन अब मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। और तुझे पता है जहाँ पे तूने वीडियो बनाने के लिए अपना कैमरा छुपाया था ना, उसी के साथ हमने भी अपना कैमरा लगाया हुआ था उस गुड्डे के अंदर, ताकि हम भी तेरी वीडियो बना सके सबूत के तौर पर। अब दूंगा मैं तुझे तलाक।